हे गाइस, वेलकम। ऑपरेशन रिसर्च का हमारा ये पहला वीडियो लेक्चर है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड। तो किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अगर उसमें दो डिसीजन वेरिएबल रहा तो ग्राफिकल मेथड के चार केसेस देखने को मिलते हैं। यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन एंड अनबाउंडेड सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम लोग कवर करेंगे यूनिक ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं इससे। तो देखिए, ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है जिसको हम लोग को सॉल्व करने बोल रहा है ग्राफिकल मेथड से। तो दिया हुआ है मिनिमाइज जेड इक्वल्स टू 20x1 प्लस 10x2 सब्जेक्ट टू, ये सारा तीन इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें दो वेरिएबल है और x1 x2 बोला है ग्रेटर देन जीरो है। तो इसको सॉल्यूशन लिखेंगे। पहले सॉल्यूशन में पहले जितना इनइक्वालिटी है, जैसे ये एक इनइक्वालिटी है, तीन इक्वेशन नहीं है, ये तीन इनइक्वालिटी, तो सबको इक्वालिटी करेंगे, मतलब सब में इक्वल टू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रिप्लेस ऑल द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट बाय इक्वेशन, सबको इक्वेशन बना देंगे जितना भी इनइक्वालिटी है। यहाँ पे तीन इनइक्वालिटी है तो तीन इक्वेशन बना देंगे, चार रहेगा तो चारों, मतलब जितना रहेगा सबको बना देंगे। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस 2x2 इक्वल्स टू 40, 3x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 30 और 4x1 प्लस 3x2 इक्वल्स टू 60। देखिए, ये हो गया हम लोगों का बना हुआ। अब इसको हम लोग का सॉल्व करने का, मतलब ग्राफ पे ये लाइन प्लॉट करने का सबसे एक सिंपल तरीका है। इसको तो पहले मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3। ठीक है, राइट, इक्वेशन 1 को प्लॉट करने का क्या तरीका है, राइट हैंड साइड में जो है यहाँ पे, जैसे कि 40 है तो पूरा इक्वेशन को 40 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप लोग को ये स्टेप लिखना नहीं होगा कॉपी में, अगर एग्जाम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 40। वी गेट, पूरा इक्वेशन को 40 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, x1 बाई 40 प्लस 2x2 बाई 40, मतलब x2 बाई 20 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी तरीके से इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड में 30 है तो पूरा इक्वेशन को 30 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाई 30, वी गेट 30 से डिवाइड करने के बाद 3x1 बाई 30, मतलब x1 बाई 10 प्लस x2 बाई 30 इक्वल्स टू 1, 30 बाई 30 मीन्स 1। ओके, इस तरीके से इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड में 60 है। तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाई 60, वी गेट क्या मिलेगा, 4x1 बाई 60, मतलब x1 बाई 15 प्लस x2 बाई 20 इक्वल्स टू 1। फाइन, अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो आप लोग को याद होगा, x1 बाई ए प्लस एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 होता है। तो a जो है, देखिए यहाँ पे हम देख साइड में, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1 रहता है। तो ये a जो है वो x एक्सिस का इंटरसेप्ट रहता है और b जो है y का इंटरसेप्ट, और यहाँ पे 1 रहता है। तो ये वाला चीज़ जो है यहाँ पे देख रहे हैं, x1 का इंटरसेप्ट है 40, x2 का है 20 और ये 1। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। अब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे ये सारा लाइन को, तो काफ़ी ईजी पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ये ग्राफ बना लिया है, ये है x1 और ये है x2 के लिए। ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे बोला है x1 x2 ग्रेटर देन 0, तो ये वाला ओरिजिन मतलब क्वाड्रेंट रहेगा। ठीक है, देखिए x1 के नीचे है 40 और x2 के नीचे है 20, तो 40 और 20 मतलब ग्राफ पे प्लॉट हमने, मतलब ये कोई डिस्टेंस ले लिया, आप चाहे तो ग्राफ पेपर पे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10, यहाँ पे सब में नीचे पहले देखेंगे 40, 20, 10, 30, 15, 20, तो मतलब 10-10 का मैक्सिमम डिफरेंस जो है 10 ही है। ठीक है, तो हम लोग अगर 10-20 करके लेंगे तो सही रहेगा ये, अगर नीचे 1-2 करके आता तो हम लोग ये 1-2 करके लेते, 10-20 है तो यहाँ पे 10-20 लिए। तो पहला है 40 और 20,
तो एक्स वन पर 40 मतलब ये पॉइंट, ठीक है, और एक्स टू के नीचे है 20 मतलब एक्स टू वाला ये पॉइंट, मतलब आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरीके से 40 और 20 को ज्वाइन किया। नेक्स्ट जो इक्वेशन है वो x1 के नीचे है 10 और x2 के नीचे है 30, ठीक है, तो 10 और 30, x1 वाला ये 10 और x2 में ये 30, मतलब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और जो थर्ड इक्वेशन है हमारा वो है x1 बाई 15 और x2 बाई 20, तो 15 और 20, x1 15 एक्स वन में, देखिए 10 और 20 के बीच में 15 आएगा, तो समझ लेते हैं यहाँ पे जो है ये 15 है, 15 और ये 20 मतलब ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों का इस तरीके का ग्राफ बना। अब देखिए इन इक्वालिटी में हम लोग का जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें क्या था, लेस देन इक्वल टू 40, तो पहला इक्वेशन हम लोगों का जो लाइन था ये वाला लाइन था, इसको यहाँ पे हम लोग अपने आसानी के लिए लाइन वन मान लिए, ठीक है, यहाँ लिख दिए वन तब के समझ में आए इक्वेशन वन के लिए। इक्वेशन टू के लिए हम लोग का कौन सा था, एक्स वन बाई 10 और एक्स टू बाई 20, मतलब एक्स 10 और 30, सॉरी 30 ये वाला लाइन था, तो यहाँ पे हम लोग 2 इसको कर दिए और ये वाला जो है 3 है, ठीक है, ताकि समझ में आए कि कौन वाला लाइन किसका है, ठीक है। एक्स वन ये जो है लेस देन इक्वल टू 40 है, मतलब पहला वाला लाइन लेस देन इक्वल टू 40, यानी कि फर्स्ट लाइन मतलब ये वाला लाइन ओरिजिन के साइड आएगा, तो इसका जो एरो रहेगा ये ओरिजिन के साइड रहेगा, इस वाला लाइन का ये ओरिजिन के साइड एरो रहेगा। सेकंड है जो हमारा इक्वेशन वो ग्रेटर देन 30 है, यानी कि सेकंड लाइन ये वाला ग्रेटर देन 30 मतलब ओरिजिन के अपोजिट जाएगा ये वाला लाइन, ठीक है, और थर्ड भी हमारा ग्रेटर देन है, तो ये वाला लाइन का भी जो एरो है वो ओरिजिन के अपोजिट जाएगा, ओरिजिन ये है, ये इसके अपोजिट जाएगा ये लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन है और ओरिजिन के अपोजिट जाएगा। तो हम लोगों का जो कॉमन रीजन है जिसमें जो तीनों लाइन का जो एरो है वो सेटिस्फाई कर रहा है वो कौन सा रीजन है, ये वाला लाइन इधर जा रहा है, ये लाइन इधर जा रहा है, तो मतलब ये वाला लाइन ये जो है ये कॉमन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये लाइन इधर जा रहा है, इस वाला लाइन ये लाइन इधर आ रहा है, मतलब इसका एरो जो है ये इधर आ रहा है और ये वाला लाइन का भी इधर जा रहा है, तो हम लोगों का जो फिजिबल रीजन होगा वो कुछ ये होगा, ये वाला रीजन नहीं होगा क्योंकि ये जो लाइन है इसका एरो इधर जा रहा है, इसका एरो इधर आता तब ये वाला रीजन लेते, तो वो रीजन नहीं होगा, ये वाला रीजन होगा कुछ, ठीक है। तो कौन कौन सा पॉइंट हुआ, मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ पॉइंट को, ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो जो रीजन बना हम लोग का वो रीजन हम लोग का चार पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट 4 है, ओके, इस एक्सट्रीम पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे इसको मान लेते हैं ए, इसको बी और ये सी डी, ठीक है, इसको हम लोग देख लिए। लाइन प्लॉट करने के लिए, मतलब जो हम लोग का इक्वेशन से लाइन प्लॉट करने के लिए ये एक तरीका है, अगर आप लोग चाहें तो इस लाइन को इस ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए अगर ये या नहीं करना चाहे, डिवाइड वाला रूल नहीं लगाना चाहे, तो एक काम कर सकते हैं, इस लाइन को एक्स वन का वैल्यू पहले जीरो कर लेते हैं, अगर इसमें एक्स वन का वैल्यू जीरो है तो एक्स टू का वैल्यू क्या होगा 20, और अगर एक्स टू का वैल्यू जीरो करेंगे तो एक्स वन का वैल्यू क्या आएगा 40, ठीक है। तो पॉइंट्स अब देखिए कहाँ कहाँ से, पहला पॉइंट है एक्स वन और एक्स टू को लेते हैं ना, तो 0, 20 और 40, 0, ठीक है, तो पहला ये इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, तो पहला लाइन हमारा ये है, देखिए 0, 20 सही है और 40, 0, 40, 0, ठीक है, देखिए इन दोनों लाइन को मिलाने से इस तरीके से आया। तो आप लोग चाहे तो पहले x1 को जीरो कर लीजिए, फिर x2 का वैल्यू निकालिए, फिर x2 को जीरो करके x1 का वैल्यू निकालिए और जो दो पॉइंट आगा दोनों पॉइंट को मैच कर दीजिए, लेकिन ये वाला तरीका जो ज्यादा सिंपल है, x1 और x2 वाला, 40 और 20 करिए, x एक्सिस x1 के लिए 40, x2 के लिए 20, दोनों को ज्वाइन,
ठीक है। अब ये जो रीजन है हमारा फिजिबल रीजन पता चल गया, और फिजिबल रीजन का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है ये वो चार एक्सट्रीम पॉइंट है ए बी सी डी। अब एक्सट्रीम पॉइंट हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए ये रीजन है फिजिबल रीजन, ठीक है, और ए बी सी और डी ये चार एक्सट्रीम पॉइंट्स है हमारे पास। और ए जो पॉइंट है वो तो हम लोग को पता है, ए है 15.0। पॉइंट बी जो है वो भी हम लोग को पता है 40.0। और पॉइंट सी जो है ये तो हम लोगों को पता नहीं है कि ये पॉइंट कहाँ है, तो और पॉइंट डी जो है ये भी हम लोग को नहीं पता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा कि ये पॉइंट जो है कहाँ है। ग्राफ पेपर पे अगर आप लोग ग्राफ सॉल्व करेंगे तो आप लोग तो देख करके बता सकते हैं कि कहाँ पे ये पॉइंट है, लेकिन ये मैंने पेपर पे किया है तो हम लोग को तो ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। अगर आप भी पेपर पे कर रहे हैं तो आपको भी निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट सी के लिए देखिए, पॉइंट सी के लिए जो पॉइंट सी है वो लाइन वन और लाइन टू, वन और टू का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पॉइंट सी। तो मैं यहाँ पे रफ में निकालती हूँ, ठीक है, पॉइंट सी निकाल रहे हैं जो वन और टू को सॉल्व करने से आ रहा है। वन और टू को सॉल्व करेंगे दोनों को तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वही पॉइंट सी है। तो वन और टू को सॉल्व करने के लिए सिंपल आप लोग जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स वन प्लस टू एक्स टू इज टू 40 हो जाएगा, यहाँ पे सिक्स एक्स वन। आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मैं भी यहाँ पे रफ में सॉल्व कर रही हूँ ताकि हम लोग को जल्दी से। माइनस करेंगे 5x तो हाँ एक्स वन इक्वल्स टू 4 और एक्स टू इक्वल्स टू 5। तो हम लोग का x1 का जो अगर आप लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें तो x1 आएगा हम लोगों का 4 और x2 आएगा 18। तो 4 और 18 हम लोगों का पॉइंट C है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसी तरीके से पॉइंट D के लिए निकालना होगा। तो पॉइंट D जो है हम लोगों का देखिए लाइन 2 और लाइन 3, 2 और 3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पॉइंट D है। तो 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, 2 और 3 ये 2 और ये 3 इन दोनों को सॉल्व कर ही सकते हैं आप लोग। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को ये सॉल्व करना तो आता ही होगा। ये दोनों को सॉल्व करेंगे और पहला वाले के लिए हम लोग इन दोनों को सॉल्व किए थे, सेकंड वाले के लिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहां से x1 और x2 का वैल्यू निकालेंगे। तो मैं भी यहां पे फिर से कर रही हूं, तो हम लोग का x1 और x2 का वैल्यू आएगा जो इसमें d के लिए वो आएगा 6.12, ठीक है। अब हम लोगों को चारों एक्सट्रीम पॉइंट्स पता चल गए हैं कि हम लोग का जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो क्या क्या है। हम लोग को क्वेश्चन में बोला है मिनिमाइज z इक्वल्स टू 20x1 + 10x2, 20x1 और 10x2। अब हम लोग को इन सब पॉइंट्स के लिए z का वैल्यू निकालना पड़ेगा, z एट a, ठीक है। z का वैल्यू पॉइंट ए पर क्या होगा, z का इक्वेशन है हम लोगों का 20x1 + 10x2, 20x1 + 10x2, और a का जो हम लोग का पॉइंट का वैल्यू है 15.0। तो क्या होगा 15 × 20 + 10 × 0, तो z a का वैल्यू आएगा 300। z एट b, अब इसको हम लोग z एट b है 40.0, तो 15 × 40 + 10 × 0 इसका वैल्यू हम लोगों का आएगा 800। अब इसी तरीके से जेड सी, यहाँ पे ये सॉरी 20 है, तो 20 × 4 + 10 × क्या है 18, इसका वैल्यू हम लोगों का आएगा 180 + इसका वैल्यू आएगा 260, ठीक है। और z एट d, इसका इसको पुट करेंगे तो आएगा 20 × 6 + 12 × 10,
इसका वैल्यू आएगा 120, तो सुन लो इसका वैल्यू आएगा 240। देखिए हम लोग जो चारों एक्सट्रीम पॉइंट निकाले, उस चारों एक्सट्रीम पॉइंट को पुट करके जो जेड का इक्वेशन दिया हुआ था, ये देखिए, उससे हम लोग इस इक्वेशन में पुट करके जेड का वैल्यू निकाल लिए। क्या क्या होगा जेड का वैल्यू चारों। अब हम लोग को जेड के इक्वेशन के आगे क्या लिखा हुआ है, मिनिमाइज जेड। तो मिनिमाइज जेड लिखा हुआ है, इसमें से जेड का सबसे मिनिमम वैल्यू को हम लोग निकालना पड़ेगा। इसमें से 300 है, 800, 260, 240, सबसे मिनिमम वैल्यू ये है 240। तो हम लोगों को जो जेड, जो मिनिमाइज जेड है वो होगा जेड एट पॉइंट डी, वो पॉइंट होगा 6,12, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन, और उसका जो वैल्यू होगा 240। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे द मिनिमम वैल्यू अकर्स एट कहाँ पे, एट डी 6,12, हेंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज एक्स वन का वैल्यू है यहाँ पे 6 और एक्स टू का वैल्यू हो जाएगा 12। ठीक है, ये जो हम लोगों का था यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल था। आप लोग अगर चाहे तो यहाँ पे ये जो है इसके बाद यहाँ पे लास्ट लाइन लिखें द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड अकर्स एट 6,12, हेंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज एक्स वन इक्वल्स टू 6 और एक्स टू इक्वल्स टू 12। ठीक है, जेड का वैल्यू, और उसमें जेड का वैल्यू है 240, वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे अकर्स एट जेड इक्वल्स टू 240 अकर्स एट, यहाँ लिख सकते हैं जेड इक्वल्स टू 240, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल्स टू 240 अकर्स एट दिस। ठीक है, तो ये है हम लोगों का ग्राफिकल मेथड एक यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग जो बाकी तीन केसेस थे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, उसका एग्जांपल देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।